सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में बता दिया था कि आज हम लोग कस्टम डोमेन को बाय करेंगे गोडैडी से। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि .com अगर 99 में मिल जाता है, जैसे हमने लिया था टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल .com, उसी तरह से हमारा सेकंड चैनल है आइए टेक्निकल हिंदी .com में पहले सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि देखते हैं वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर नहीं मिलेगा तब हम लोग लेंगे XYZ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ पर गूगल सर्च बार में, ठीक है। गूगल सर्च बार में जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर गोडैडी यहाँ पर सर्च कर लेना है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐड वाला ऑप्शन, तो सिंपली ऐड वाला ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 99 में मिल रहा है .in, तो सबसे पहले हम इसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे .in के बारे में देखा जा रहा है, तो हम लोग पहले इसे ट्राई करके देखते हैं कि हमें 99 में भी अगर मिल जाता है यहाँ से तो हम लोग लेंगे, वरना हम लोग चले जाएंगे वहाँ। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। आई ए टेक्निकल हिंदी, ठीक है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं ये अभी मिलता है या नहीं मिलता है। 110% ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा डोमेन तो अभी तक किसी ने बाय भी नहीं किया होगा, ठीक है। मिलना ही मिलना है, थोड़ा सा डोमेन नेम बड़ा रखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं पहले से है 500 रुपये में था, ऑफर में है ये। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको इसी तरह से यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 99 बता रहा है, तो ऐड टू कार्ड हम लोग करते हैं और देखते हैं 99 वाला यहाँ पे नहीं देगा 99 में, ठीक है। ये हमको मैसेज दे दिया है, ठीक है। फ्री टू फ्री ऐड अदर एट रेगुलर प्राइस, ठीक है। यानी कहने का मतलब रेगुलर प्राइस में ही हमें ये देगा, तो लगता नहीं है कि ये हमें 99 में देने वाला है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका पोजीशन है नहीं है, उसके बाद हम लोग फटाफट XYZ.com में XYZ डोमेन ले करके मामला रफा दफा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है एक साल के लिए यहाँ पे XYZ डोमेन है, तो हम इसे हटाएंगे, 63 रुपये में बता रहा था, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हटा दिए। ऐड टू कार्ड हमने पहले से करके रखा हुआ था, यहाँ 2 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए इसको करके देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर बता रहा है रेगुलर प्राइस, कोई ऑफर नहीं देगा हमें, ठीक है। तो हम लोग XYZ.com ही लेंगे, XYZ ही लेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अब गूगल करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों नहीं मिलने वाला है, मैं जानता हूँ इसलिए मैंने कहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो .in में भी एक बार देख लेते हैं, .in में हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा था, तो सिंपली .in में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर 149 में भी मिल जाता है .in, तो ये भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये भी हमें नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे जिस तरह का मैसेज आ जाता है समझ जाइए ये मिलने उलने वाला है नहीं। फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे ना, है ना। तो ये मिलने से रहा नहीं, तो सिंपल है, अब कुछ नहीं कर सकते जब नहीं मिलेगा तो। तो यहाँ पर 1 साल के लिए है इतना, तो .com हमें हटाना होगा, ठीक है। .com हटाएँगे तो .in अपने अपने आ जाएगा, यहाँ पर .in है, ठीक है। तो आ चुका है 900 कुछ बता रहा है 2 साल के लिए, तो 1 साल में देखते हैं कितना लेता है, समझे। क्योंकि 1 साल के लिए हमें यहाँ पे किसी तरह का ऑफ़र प्रोवाइड ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नहीं होगा ये, हम लोग अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल खोलना है। गूगल में लिखेंगे GoDaddy.xyz, वो सब दिमाग नहीं लगाना, अब सिंपली हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। GoDaddy में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल सा बस XYZ लेके मामला रफा दफा करेंगे, फालतू का पैसा लगाए कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, ठीक है। और इसमें जब अप्रूवल मिल जाता है तो फिर हम क्यों नहीं अप्रूवल लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 63 रुपये में अवेलेबल है ये, और इसके साथ हमें ये सब भी देगा अगर आप लोग यहाँ पर लीजिएगा तो। लेकिन लेने उने कोई ज़रूरत नहीं, इस समय टिक उक नहीं लगाना है, सिंपली हम लोग ऐड टू कार्ड करेंगे। और यहाँ पे देखिए फकैती है सब, इस सब पे ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। ये सब फकैती है, .co .in भी दे रहा है, लेकिन ये सब मिलने वाला नहीं है,
अब कुछ मिलने वलने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कार्ट, कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस सबको देख लीजिएगा, नो थैंक्स होना चाहिए, यहाँ पे नो होना चाहिए और यहाँ पे भी नो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहने का मतलब है उससे डिफरेंस है, लेकिन गोडैडी की ही प्लेटफॉर्म है, सब चीज़ डीएनएस टीएनएस सब चीज़ सेम होगा। और यहाँ पे देखिए डॉट इन जो यहाँ पे पहले सेलेक्टेड था, तो हम इसे हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे 1 ईयर करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा जो आना होगा फाइनल। देखिए 84 रुपये में आ गया, तो 84 रुपये में हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है, आप लोगों को इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा प्रोसेस होगा दोस्तों, आप लोगों को लॉगिन अपना करना होगा अगर आपका अकाउंट रहता है तो। अगर अकाउंट नहीं है तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको साइन अप करना होगा गोडैडी में। साइन अप कर लीजिएगा, अकाउंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो भरना होता है, पेमेंट बिलिंग एड्रेस सारा एड्रेस को आप लोगों को भर लेना है। भरने के बाद जैसे इसमें लॉगिन कीजिएगा ना, तो आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस दिखेगा और जा करके फटाफट आपको कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। चलिए लॉगिन मान लीजिए आप लोग कर लिए हैं, तो यहाँ पे करना है पेमेंट मेथड ऐड। तो ऐड पे कर लेने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा पेमेंट मेथड ऐड है। अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड कर लेना है आपको पेमेंट मेथड। जब आप अपना अकाउंट बनाइएगा तो आपको पेमेंट मेथड वगैरह यहाँ पे ऐड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेसर कुछ नहीं है, बस सिंपली हम यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद ऐड टू पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कार्ड डालेंगे, अपना कार्ड डिटेल्स जो होता है यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड होता है जो वो डालेंगे और यहाँ पे हम पोस्टल डालेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद हम लोग इसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है अ कंप्लीट टू कार्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करके अब इसे कंप्लीट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपना डोमेन बाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डोमेन को बाई करके आपको यहाँ पे लाइव दिखा चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे बाई करते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग का शुरू हो चुका है। अब सिंपल ये हमारे कार्ड को वेरीफाई करेगा और एक हो सकता है कि OTP हमारे नंबर पर आए और हमें उसे डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो OTP हमारे नंबर पे भेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे OTP अभी तक आया नहीं, ये लीजिए आ गया। तो हमारे नंबर पे दोस्तों OTP आ चुका है, हम डाल देते हैं OTP। और यहाँ पे सबमिट जैसे करेंगे हम लोग तो हमारा सारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। मात्र टोटल चार्ज यहाँ पे देख लीजिएगा, चार्ज उज कितना है, ठीक है, उसी हिसाब से। तो हमें डोमेन यहाँ पे मिल चुका है कम्प्लीटली और ये अभी ट्रांजेक्शन का प्रोसेस अभी हो रहा है और सक्सेसफुली जैसे ही होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है फाइनली दोस्तों। हमने यहाँ पे डोमेन यहाँ पे परचेज कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडायरेक्ट वगैरह यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन हमारा परचेज हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना डोमेन को बहुत आसानी के साथ यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे अपना डोमेन नेम यहाँ पे कर लिया है बाय। अब इसे अगले वीडियो में हम लोग इसे अब रिडायरेक्ट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बिल्ड भी बोल सकता है, इसका ड्रॉप डाउन वाला है और यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे कनेक्ट। तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम अपना DNS चेंज करेंगे, यानी डोमेन नेम सर्वर को हम लोग यहाँ से जा करके चेंज करेंगे और दिखाएंगे कैसे चेंज करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे डोमेन को बाई कर लिया, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने जो बोला था डोमेन को हम लोग यहाँ पे बाई करने वाले हैं, तो डोमेन हम लोग अपना कम्प्लीटली यहाँ पे बाई कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।